हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? अच्छा जी, भाई साहब आ गए हैं और इनसे जी 2 महीने हो गए इनको चाइना से आए हुए, और इनसे पूछते हैं जी इनका चाइना का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या फील करते हैं 1 साल बाद चाइना से पाकिस्तान में आए हैं। सो हाँ जी भाई साहब, बताएं तो क्या एक्सपीरियंस है इनको अब आके? लगता है 1 महीने बाद के मैं 1 महीना इनके पास ऑप्शन था कि चाइना में रह सकते थे, बल्कि 2 साल रह सकते थे, तो वहाँ ये तंग आए हुए थे, और जब यहाँ आए तो कहते हैं कि जो हालात हैं और जो मुल्की हालात चल रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं वहीं रह जाता 2 साल और थोड़ा पैसा भी बन जाता और जी माहौल भी था, सुकून भी था हर तरह का। तो बस यही मसला है कि जब मतलब बाहर होता है ट्रक आ रहा है, देखो ठीक है। तो हाँ, ये अंदर ट्रक है जी, लाइट शर्ट है कोई नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके तो क्या यार डिफरेंस है, क्यों तरक्की कर रहा है चाइना, आप बताएंगे जरा यार कोई डिस्कशन? क्या पहली बात तो यहाँ पे महंगाई बहुत है। बदल गई है पाकिस्तान में, तो क्या हो गया 1 साल के अंदर? 5,000 रुपए का पेट्रोल लगता है एक साइड पे। ओ क्या दुनिया चली गई। चाइना में क्या हो रहा है भाई, चाइना क्या जा रहा है चाइना, और क्यों चक्की कर रहा है चाइना, क्या हो रहा है चाइना? जो है वो पे चल रहा है, असल में सबको डंडा देते हैं, तो डंडा तो यहाँ फौज भी दे रही है। फौज नहीं, वो असल में डंडा ये है कि डंडा भी देते हैं और इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है वहाँ पे, उनका जो बिजनेस है वो मॉडल डिफरेंट है और उसका जो सप्लाई बेसिकली जो क्लाइंट है वो पूरी दुनिया है, तो उस वजह से उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आती है, ठीक है। सारों ने प्लांट लगा दी, उन्होंने अपने 90s के बाद कुछ जो है वो अपनी पॉलिसीज तरह चेंज की हैं कि जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर था मल्टीनेशनल और जो बड़े बड़े जायंट्स थे उनको उन्होंने डेट किया और उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते वो बहुत ग्रो कर गया, और छोटा स्मॉल वेंडर जो है स्मॉल वेंडर वहाँ पे बहुत कामयाब है। मिनिमम जो वेज है वो पर मंथ कोई 3,000 युआन के करीब जाके टच करती है, जो कि ऑलमोस्ट है वो आपको सवाल। नहीं, हम दूर नहीं जाते, हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे मैं अब मिसाल के तौर पे एक टीचिंग कर रहा हूँ एक प्राइवेट स्कूल में फॉर एग्जांपल, और ठीक है जी आई एम अंडर 1 लाख या जो भी मेरी सैलरी होगी, आई डोंट वांट डिस्क्लोज इट, बट लेट्स हम कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे इस लेवल का टीचर जो है एक ओ लेवल या हाई स्कूल टीचर जो होगा वो कितना अर्न कर रहा होगा महीने का? वहाँ पे जो है ना टीचर जो है वो जो हाई स्कूल का कह रहे हैं स्कूल टीचर जो है वो राउंड अबाउट कोई जो है ना 20,000 से 30,000 के बीच में जो है ना पर मंथ अर्न कर रहा है, और दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 lakh rupees। हाँ, 6 से 7 lakh rupees आराम से जो है ना वो कमा रहे हैं, और प्लस इसमें बेनिफिट्स अलग हैं, मतलब मोस्टली जो है वो आपको हाउस रेंट भी इसके अलावा मिलता है, कुछ कन्वेंस अलाउंस वगैरह भी हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक एवरेज जो यहाँ पे जैसे आप कहते हैं कि 17th grade या 18th grade का जो अफसर लेवल का बनता है एजुकेशन जिसने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है, तो वो एवरेज उसकी जो इनकम है ना वो 25,000 के करीब है, 25,000 युआन के करीब। तो 10,000 युआन आप देख लें कि एक युआन जो 33 रुपये का, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें आप, 10,000 जो है वो 3.5 लाख और 6-8 लाख के करीब जो है ना वो इनकम बनती है। ओ भाई शुक्र है कैमरा बाहर नहीं लगाया इसने, तो कैमरा ले गया था। तो हम तो खैर अभी टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं और हमारे मसले ही मुल्क के और हैं, तो वो उन्होंने उन चीज़ों को हल कर लिया अपना। सारे मसले हैं, बिजली नहीं आ रही थी, गैस नहीं आ रही, उन गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, उन्होंने परवाह ही कोई नहीं है, वो कहते हैं जी काम करो ठीक है जी सानू सब लग जाएगा, इधर सानू रौला ही नहीं मुक रहा है जी, असी पानी कितों पूरा करना है, गर्म पानी नहीं आ रहा, ठंडा पानी नहीं आ रहा, भाई ये मसले में उलझे हुए हैं आप, और आपको उलझाया हुआ है और आप इसमें पड़े रहेंगे, और उन्होंने हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ बना ली हैं और जी वो पहुँच गए हैं बहुत आगे, और उसकी रीज़न यही है कि, और दूसरी रीज़न उनकी है सिविक एथिक्स है बेसिकली। यहाँ पे जहाँ जिस कंट्री में आपके पास चलने को फुटपाथ नहीं है और जिस फुटपाथ पे आपकी दुकानें बनी हों, तो वो कैसे तरक्की कर सकता है? ये एक बेसिक्स होती है किसी भी नेशन की सोच की और डेवलपमेंट की। तो अगर आप चाइना जाएं और जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाई हम बहुत पीछे हैं, शायद हम 100 नहीं 200-300 साल पीछे होंगे। ऐसा ही है जैसा कि एक बंदा किसी सिंध के रिमोट गांव से जाना बिजली है ना पानी है, उसने शायद टीवी भी ना देखा हो या शायद मोबाइल उसे पता ना हो कि टच स्क्रीन मोबाइल कैसे, और वो कराची में आ चला जाए या लाहौर में चला जाए, इट्स लाइक दैट। कुछ चीज़ें हैं जी जो रियलिटीज हैं, समझने की जरूरत है, हम एक ही चीज़ में चल रहे हैं उससे हम बाहर ही नहीं आ रहे और ना हमें आने दिया जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली। सो ये थोड़ी सी जी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो अगेन हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और
आने वाली वीडियोस को भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नजर आएंगी और आपको इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।